साथियों, इंडी गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, ये इंडी गठबंधन वाली जितनी पार्टियां हैं ना, उन सब में कुछ अवगुण कॉमन है, उनकी पहचान है। एक, इंडी गठबंधन वाली सभी पार्टियां गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, वे गौर जातिवादी है। तीसरा, वे गौर परिवारवादी है। इन लोगों ने हमेशा देश में दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोका। आप याद करिए, देश में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया था, उन्हें षड्यंत्र करके चुनाव किसने हराया था, कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब को भारत रत्न किसने नहीं मिलने दिया, कांग्रेस पार्टी ने। इन लोगों ने एक दलित के बेटे रामनाथ कोविंद को भी अपमान किया। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनाव हराने के लिए पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया। और यही वो लोग हैं जिन्होंने राजा सोहेलदेव जैसे महान वीर का कभी सम्मान नहीं होने दिया। बीजेपी ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी की, आज उनके नाम पर ट्रेन चल रही है। साथियों, सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता।